और ये देखिए लेक कितनी सुंदर है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे झंडे देखिए किस कंट्री के लगाए गए हैं, स्विट्जरलैंड। काफी हिलता है ना ये, वैसे हिल नहीं रहा है तो हिलाना है क्या? मस्त लगे मैं हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग वीडियो में। और आज मैं अभी भी हूँ ताश्केंत में, और आज कुछ नए फ्रेंड्स मिले हैं, रशियन है, एक इंडियन फ्रेंड है। तो आज हम लोग जा रहे हैं पहाड़ों में, यहाँ की वादियों में, जहाँ की पहाड़ है पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से हार्डली 2 आवर्स का ड्राइव है। तो अभी निकल रहे हैं, और सामने वो लोग दो फ्रेंड्स, एक रशियन और एक हमारा ही भाई दिल्ली का, दिल्ली का लड़का। तो हम लोग जा रहे हैं अभी घूमने, और फिलहाल अभी यार यहाँ पे गर्मी हो गया आज, तो मैं लेके तो निकला हूँ, बट गर्म लग रहा है तो खोल लिया हूँ। एक और भाई है, बांग्लादेशी है, तो वो भी चल रहा है हमारे साथ। अभी हम लोग जा रहे हैं इसमें, ये देखो विंटेज कार्स आप, ये सब चल रही है, रशियन कार है। ब्रो व्हाट्स द नेम? Moskvich is Russian car. It's Russian car, right? Yes. It's very easy to start this car using wires only. Use wires to start car without keys. Unne try. Yeah, looking smart. So, दोस्तों यहाँ पे try किया जा रहा है बात करने का रशियन में, और ये मेरा friend Pavel. मैं Pavel हूँ. You can speak in Hindi. मैं हिंदी बोलता हूँ. No. और ये भाई बांग्लादेश से है जो try कर रहा है, बोलो. Continue. कच्ची भैया जाओ रसूल तकते। सो अभी आधे रास्ते आए हैं, और अभी जा रहे हैं पता नहीं कौन से स्ट्रीट में है, तो नहीं पता। सो हम जा रहे हैं चिंगन जो भी है, तो मैं बार बार वो गलत स्पेल कर दे रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। एंड अभी इस गाड़ी में हम लोग साथ जा रहे हैं, पता नहीं 5 लोग जा रहे हैं, हम लोग जा पाएंगे कि नहीं देखते कितना दूर है। मैं ये पार्क में रुक रहा हूँ। कौन है? तो दोस्तों अभी कहीं पे हम लोग बीच में रुके हुए, क्योंकि कार लेके गया है आई थिंक सर्विस या पेट्रोल लेने, एंड बस वेट कर रहे हैं धूप है। नो आई एम वेज डोंकी हॉट डॉग भाई, सबको जाने दो भाई। हिंदी गाने बज रहे हैं तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, देखो बहुत जोर से गाना बजा रहा है, रिकॉर्ड नहीं करोगे क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। पहुंच के मिलते हैं। भाई क्या स्पीड चला रहा है भाई, पूरा एकदम कान में दर्द हो गया। एंड रोड इज सो ब्यूटीफुल। अभी फिर हम लोग बीच में रुके, यूरोप वाला फील है। हाँ यूरोप वाला फील है, और अभी हम लोग सेंट्रल एशिया भाई, फिर भूल गया संत का नाम। सो यहाँ रुके हम समसा लेने के लिए, पोटैटो समसा, जिसको क्या बोलते हैं, कार्तिक खरगोश की। अरे नहीं मैं गलत बोल रहे हो ब्रो, क्या पोटैटो समसा क्या बोलते हैं, पोटैटो के क्या बोलते हैं, कारतोस का समसा। तो यहाँ समसा मिल रहा है, वो इधर भट्टी है। ओ यू आर मेकिंग, ओ देखो समसा बन रहा है। वेजिटेबल वेजिटेबल ये गोश्त था वो दोस्तों। यहाँ गाड़ियाँ इतनी स्पीड चल रही है एकदम भाई साहब, क्या रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, तो वो चीज़ सही है।
रोड्स अच्छे हैं इसलिए ज़्यादा बेटर है, मज़ा आ रहा है। एंड अभी हम लोग आधे रास्ते आए हैं, समसा के लिए रुके थे, अब जा रहे हैं फिर से वापस। उन पहाड़ों में कहीं पे जाना है। पैसे गिरे विदेश के खरोश देखो अभी ये ड्राइवर थे हमारे, और ये रशियन बंदा हमारा ट्रांसलेटर है, ये ट्रांसलेट कर रहा है, तो जाने में आसान हो रहा है। सो दोस्तों अभी हाफ रास्ते आए हैं, अभी जा रहे हैं, अभी नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे आए और ये देखिए लेक कितनी सुंदर है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और ड्रोन तो लाया नहीं, नहीं तो ड्रोन उड़ाता, क्या मस्त आता, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड दिस ऑल द माउंटेन्स एंड ऑल, एंड यहाँ पे सब फोटो सेशन चल रहा है भाई लोग का। ये हमारा कार है, यहाँ पे फोटो सेशन स्टार्ट हो चुकी है। एंड ब्यूटी इज ऑसम गाइस, कम दिस वे, वहाँ पे अच्छा आएगा फोटो। हाँ आई विल क्लिक योर फोटोज, नो वरी। सो बहुत सुंदर है वैसे, द ग्रीन थिंग इज द लाइक बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेक, ग्रीनिश ग्रीनिश लग रहा है। सो पता नहीं क्यों ग्रीन लग रहा है, ग्रीन वाटर है क्या, थोड़ा ब्लू भी लग रहा है, थोड़ा ग्रीन भी लग रहा है, दोनों बहुत सेट, काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो यहाँ फोटो सेशन चल रहा है, भाई सबको सलाम वालेकुम कर रहा है। सो अभी ऊपर थे, ऊपर में कहीं पर थे वहाँ पे, अब वहाँ से अब नीचे आ चुके हैं, और यहाँ पे एक भाई है वो बोल रहा है स्विम करेंगे, तो देखते हैं अगर स्विम कर पाए कि नहीं, वैसे तो मैं नहा के आया हूँ। और ये भाई है दिल्ली से, राहुल इंडिया, हम दो इंडियन हैं अभी यहाँ पे फिलहाल, दो इंडियन, एक बांग्लादेशी, एक बांग्लादेशी, एक कोरियन है, बड़ी वेरी डाइवर्स, वेरी डाइवर्स होल वर्ल्ड इज। सो बस अभी नीचे आ गया, थोड़ा सा देखते हैं, मस्ती करेंगे, क्या करेंगे, बोटिंग करना हुआ तो कर लेंगे। एंड कंट्री इज़ वेरी चीप, मैं रेट नहीं बताऊंगा, आओ इंजॉय करो, क्योंकि रेट का कोई ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं अभी बोल दूँ कुछ कोई रेट की कितना पड़ा हमें, और आप आओगे ज़्यादा अगर लग गया तो इट विल बी डिफरेंट, बट नहीं इट्स ओके, बट बहुत चीप है, इंडिया से चीप है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट काफ़ी चीप है, तो आओ इन्जॉय करो। और फिर से मैं नाम भूल गया, मैं यहाँ पर लिख दूँगा, चिमगन या कुछ ऐसे नाम है, नहीं गुन नहीं है, गन है, चिमगन समथिंग है, ऐसे कुछ है। तो बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, और यहाँ पे एक लेक है इन द मिडिल, वही जो आप ऊपर से देख रहे थे, ये वही लेक है। अरे यार सर्फिंग हो रही है भाई। यार ये करना है, पर भीग जाएंगे, पूरे भीग जाएंगे कपड़े, पूरे भीग जाएंगे, गजब लग रहा है, हमें तो साला बेवकूफ बनाते हैं। वहाँ पे पूरा पहाड़ में बर्फ है, पूरा बर्फ पड़ा हुआ है पहाड़ों में। और अभी हम खा रहे हैं समसा फॉर माय ब्रदर लॉर्ड कृष्णा। एक मिनट पकड़ना, एक मिनट, सो ये है समसा, और इसमें समोसा जैसा कुछ है नहीं। ये समसा इधर से कॉपी होके इंडिया गया है। ओके इंडियन वाला तो नकली समसा है, बस 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 ज्यादा नहीं। कैसा है टेस्ट? तो अभी खा के देखते हैं कैसा है। गरम खाने में ज्यादा मजा आएगा। ये वेजिटेबल समसा है, ठीक है, लेकिन गर्म नहीं है, ठंडा हो गया इसलिए थोड़ा सा उससे मज़ा नहीं आ रहा है, गर्म होता तो मज़ा आता। अच्छा खा लेता हूँ, फिर एक बार एक राउंड मारता हूँ उस लेक के, खाता हूँ आपको। सो दोस्तों ये जो है बोट, ये 5 लाख रुपए घंटे भर के लिए, सॉरी 5 लाख सोम रुपए नहीं, सोम एक घंटे के लिए ऐसे कुछ अराउंड, तो लगा लो बार्गेनिंग करने पर हो जाएगा, और जिस कार वाले के साथ इसके साथ आओगे वो बार्गेनिंग करा देंगे। तो सस्ता है यार, मेरे हिसाब से सस्ता ही है, इंडिया में भी तो 1500, 2000, 3000 ऐसे करके लेते हैं, बट वो स्पीड बोट नहीं होती है, नॉर्मल बोट होती है, और यहाँ लोग सब बैठ के आराम कर रहे हैं।
और हम लोग जा रहे हैं एक राउंड मार के आने, मैं और राहुल, हम लोग दो जन जा रहे हैं उधर से घूम के आने ऐसे पे, देखते हैं कैसा है कलर, क्योंकि कलर बहुत ब्यूटीफुल है, अगर आपको दिख रही हो तो एकदम ब्लू ब्लू है और कई सारे शेड दिख रहे हैं हमें। भाई तो गाड़ी लेके नीचे चला गया है। यहाँ पे सर स्पीड बोट है, वो क्या बोलते हैं उसको, जेटी टाइप्स है। देखिए वहाँ पे जा रहा है और हमारा दोस्त कहीं क्रॉस, अरे भाई वो कहाँ है, कहाँ है भाई, वो लगता है दरियो क्रॉस करके आया है। देखो वो क्रॉस कर रहा है, पूरी नदी क्रॉस करके आया, तो आके मर जाएगा, अधमरा हो जाएगा भाई। ये रशियन में गुदा है जा रहा है पूरा, ये रिवर बोल रहा है, ये पूरा लेक क्रॉस करने जा रहा है वो, अरे वही कर सकता है। हाँ यहाँ पे पॉड्स हैं, पॉड होटल बोल सकते हो या पॉड रिजॉर्ट बोल सकते हो, कुछ भी। नो नो नो, जेटस्की के लिए बोल रहा है, तो पॉड्स है उसमें आप रह सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो नज़ारों को, बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। इन सब कंट्री में आके ये सब करना चाहिए। मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं निकल जाऊँगा समरकंद के लिए, कल मेरी ट्रेन है अराउंड वही सुबह में 8-9 बजे ट्रेन है, तो वहाँ से मैं निकल जाऊँगा एंड समरकंद ही घूमूंगा, क्योंकि भाई लोग बता रहे हैं समरकंद बहुत ब्यूटीफुल है। वैसे मुझे पता था रेगिस्तान स्क्वायर और दो चार जगह, बट एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो खिंचाते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे और देखते हैं क्या करते हैं आज दिन भर। शाम को प्लान है मैजिक सिटी जाने का, और ये तीसरी बार जा रहा हूँ लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आज रिकॉर्ड करना है, तो देखते हैं। 50 की स्पीड होगी आराम से। बहुत तेज जा रहे हैं, अकेले चला रहे हैं। एक जेटी होनी चाहिए यार। यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल के और कहीं और जा रहा है, तो नाम मेरे को पता नहीं, एक बार पहुँचता हूँ फिर बताता हूँ कहाँ जा रहा है। वैसे ये बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसे अगर देखो पहाड़ों के ऊपर वहाँ पे एक विंड मिल। सलाम सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे हाय हेलो को सलाम वालेकुम बोलते हैं, और यहाँ पे विंड मिल है, वो कितना ही सुंदर लग रहा है देखने में। स्मॉल स्विट्ज़रलैंड एंड लोग ऐसे अपना बोट लेके जा रहे हैं जेट स्की, क्या सुंदर है यार। लेकिन वही है कि थोड़े बहुत गंदगी कर दिए हैं लोग, एक दो बॉटल्स के वो ढक्कन वक्कन गिरे हुए हैं, ठीक है उतना गंदा नहीं है जितना प्राउडली हम लोग गंदा करते हैं। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि गंदा ना करूँ, बट कभी कभी गलती से मेरे से भी हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ हटा दूँ। तो गंदा कोई ना मत करो यार, गंदगी मत फैलाओ, ऐसे ही नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, उसको ब्यूटीफुल रखो। और अभी बादल आ गए, इतने सारे बादल आ गए और भाई लोग आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और ये भाई, इसको गर्मी लग रहा है, ये कोरियन है, साउथ कोरिया, उज़्बेक कोरियन, ओके। तो ये उज़्बेकिस्तान में ही रहता है, तो उज़्बेक कोरिया, एंड ये बेचारा नहा धो के पूरा आ रहा है यहाँ से। हाउज़ द एक्सपीरियंस? वाज़ वेरी नाइस। ओह लेट्स मूव, आओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो ये हिंदी बोल लेता है। एंड हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग? तो अमित सोई। अमित सोई? या अमित सोई कोई प्लेस है यहाँ पे, तो पास में ही है, 30 किलोमीटर्स उधर जा रहे हैं, चलते हैं वहीं पे मिलते हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत स्पीड चलाते हैं और हवा बहुत तेज़ चल रहा है, तो सुनाई नहीं देता और कुछ रिकॉर्ड भी नहीं हो पाता है, वहीं मिलते हैं। लेट्स गो, चलो चलो। से चलो चलो। तो दोस्तों हम आ गए स्विट्ज़रलैंड में। भाई फिर से बोलना कौन सा जगह है? अमीरसोई। तो ये है अमीरसोई, काइंड ऑफ स्विट्ज़रलैंड जैसा दिख रहा है, बहुत ही क्लीन और क्या ब्यूटीफुल है यार ये गांव, देखो। और यहाँ पे केबल कार है, केबल कार से ऊपर जा सकते हैं, ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, एंड यहाँ पे पूरा ही बहुत ही सुंदर है। हम लोग यहाँ पे, ये लोग सब फ्रेंड लोग हैं यहाँ पे, एंड अभी मैं इधर से पूछने जा रहा हूँ कि केबल कार का कितना पैसा लगेगा। बाकी यार बहुत ही सुंदर है, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ ना ऐसे जगह पे, इसलिए ब्यूटीफुल लग रहा है, एंड आई लव नेचर, तो इट्स ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप ही देख लो नज़ारे,
ऊपर वो माउंटेन से पहाड़ है और आमिर सोई ये पूरा इलाका को बोलते हैं, लेकिन आमिर सोई ऊपर में भी मतलब जा रहा है। और ये छोटा सा दुकान और यहाँ पे एक छोटा सा मैप लगा जिसमें दिखा रहा है आमिर सोई कैसे जाना है। यहाँ पे पूरा बर्फ़ रहता है लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है बर्फ़। देखो लिखा हुआ है आमिर सोई, तो दिस इज़ आमिर सोई एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर यहाँ आओ तो इन्जॉय करना, लाइक एक दो घंटे रहो, केबल कार में जाओ, इन्जॉय द एंजॉय होल डे। अब एक काला आ रहा है साला। सो वहाँ से भी निकला, फिर हम लोग दूसरी जगह आ गए। ये भी आमिर सोई है, यहाँ पे केबल कार से आते हैं लेकिन केबल कार बंद था तो हम गाड़ी से आना पड़ा। एंड लुक दिस इज रेस्टोरेंटा, ये रेस्टोरेंट है। यहाँ से फिर एक और केबल कार है जो एकदम ऊपर लेके जा रही है, तो देखते जाएंगे कि नहीं एंड क्या रेट पड़ता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल यार, ये कंट्री अच्छी है, सुंदर है, मतलब यूरोप जाने का कोई ज़रूरत नहीं, आ जाओ इधर। उज़्बेकिस्तान इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मजाक कर रहा हूँ। ये भी ब्यूटीफुल है, यूरोप भी ब्यूटीफुल है, बट इसकी चाम अलग है। ये सेंट्रल एशिया में है एंड इट्स मतलब यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे बर्फ़ रहती है लेकिन आज बर्फ़ नहीं है। हमारे राहुल भाई का थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया है बर्फ़ नहीं है तो, बट ग्रीन भी अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छा साइकिल लेके भी जा रहे हैं ऊपर में, कैसे? यही तो, साइकिल लेके उसमें घुसा के देखो देखो, साइकिल और टांग दिया उसमें। ₹650 लग रहा है अप एंड डाउन का, ठीक है इंडियन रेट ही है, बट देखते लोग, अगर ये लोग जाएंगे तो मैं भी चला जाऊंगा। हमारा बांग्लादेशी भाई बोल रहे हैं केबल कार से चलते हैं, मेरे से नहीं चला जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं केबल कार का टिकट लेने, भाई साहब। ओ गॉड, चलिए वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं फिर केबल कार का ही, वो बोल रहे हैं तो। एंड हमारे रशियन और कोरियन सब पैदल जा रहे हैं। वन टू तीन, तो बस अब जा रहे हैं इसमें बैठने गंडोला। सो अभी आ रहा है इसमें चढ़ेंगे, दिख रहा होगा आप लोगों को, आ रहा है इसमें चढ़ेंगे। टिकट तीनों संभाल के रखना, कीप इट इन पॉकेट। काफी मतलब अच्छा है गंडोला एंड अभी तो धीरे धीरे चल रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्पीड लेगा यहाँ से, अभी स्पीड लेगा यहाँ से। और ये डोर बंद हो रहा है, ये हो गया क्लोज, अब ये स्पीड ले लेगा। लिया 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 लिया, हाँ स्पीड हो गया, अब शायद मैं दिख रहा हूँ। और ये देखिए पीछे से स्पीड हो गया काफी ऊपर। तो ये राहुल और ये भाई, मैं नाम भूल जा रहा हूँ बार बार, बार बार ही मेरा नाम है। अरे बोलो ना, रेहान भाई, रेहान भाई, हाँ रेहान भाई और राहुल। और काफी सही अच्छा लग रहा है जो मतलब वो क्या बोलते हैं, कैसा स्विट्जरलैंड में जैसे चलते हैं ना, 360 पर ना अभी, हाँ 360 वैसा है। और इसका मैं वीडियो बना लेता हूँ। अरे भाई इसको, जैसे इंडिया में क्या होता है कि जो गंडोला चलता है तो काफ़ी हिलता है ना, ये वैसे हिल नहीं रहा है, तो ये काफ़ी स्मूथ है एंड 360 डिग्री आप देख सकते हो चारों तरफ। हिलाना है क्या? नॉनवेज बात कर रहे हैं भाई जान। अरे गंडोला हिलाना है क्या? हाँ हिलाओ हिलाओ हिलाओ, स्टॉप हो जाएगा, नहीं स्टॉप हो जाएगा, लाओ गंडोला, जंप मारेगा, जंप मारे, गेट बंद है ना, कहाँ से जंप मारेगा, ऑटोमेटिक। अरे भाई मजा आ गया ये तो। वो दोनों बेचारे कब तक पहुंचेंगे फिर? वो फिर उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, वो सुबह वो बोला था कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंगे तो दोस्तों पहुंच गए ऊपर, काफी टाइम लगा, बहुत लंबा था राइड एंड
ठंडा ठंडा तो ठंडा है यार। इस साइड गर्मी है। ये फोटो खींचेगा फिर आके पैसे लूटेगा। हम देंगे ही नहीं। नो 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 नो। अरे यार क्या गजब ठंडा लग रहा है भाई। स्विट्जरलैंड में आ गए। आधा स्विट्जरलैंड। एक रात रुकना होता तो मजा। यहाँ रुकना चाहिए एक रात। हाँ सीरियसली बहुत सारे अच्छे अच्छे नीचे बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स है। अगर कोई यहाँ पे दाम तो नहीं पता लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ट्रांसपोर्ट है, जिस हिसाब से खाना है, जिस हिसाब से सब कुछ है, थोड़ा सस्ता ही होगा। हाँ टू ब्यूटीफुल। एंड सामने देखो पूरा उधर बर्फ है। इधर भी बर्फ था 10-15 दिन पहले। अच्छा दोस्तों निकल रहे इधर से क्योंकि ठंडा लग रहा है बहुत तेज और नीचे भी जाना है। और ये पहाड़ यार बहुत सुंदर है। वेरी ब्यूटीफुल। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मस्त लगे मैं दोस्तों यहाँ पे आइए। आमिर सोई का ये एक रेस्टोरेंट बोल सकते हैं वो है। और यहाँ पे झंडे देखिए किस कंट्री के लगाए गए हैं। स्विट्जरलैंड। और ये पूरा स्विट्जरलैंड ही लग रहा है। मतलब मैं तो देखो गया नहीं स्विट्जरलैंड लेकिन फ़ोटो देखा हूँ। एंड फोटोज़ देखने के बाद ऐसे रेप्लिका टाइप्स का लग रहा है। इसको सजाया भी बहुत उसी तरह से गया है। बहुत ही नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे देखिए पूरा ऐसे सजाया हुआ है और जा नहीं सकते हैं। यहाँ पे लॉक है, बंद है, तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे दिखा देता हूँ सब ऐसी ही है। ये पूरा घूम सकते हैं ऐसे। एंड इधर से देखिए पूरा ऐसे जा सकते हैं ऊपर पहाड़ों पे। वहाँ पे रिजॉर्ट्स है ऊपर में। यहाँ रिजॉर्ट्स है और इधर से देखिए लोग आ रहे हैं। तो ये बहुत सही जगह है। और यहाँ पे हर जगह ये उज़्बेकिस्तान का झंडा है, साथ में स्विट्जरलैंड का भी झंडा है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है आमिर सोई। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लाइक मज़ा आ जाएगा। आओगे ना मज़ा आ जाएगा। और कभी कभी मतलब कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम से यहाँ बर्फ़ रहता है लेकिन आज नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं, जा रहे हैं ताशकंद। क्योंकि जो फ्रेंड है राहुल इंडियन उसको जाना है। वो यहाँ से जा रहा है, फ्लाई कर रहा है थाईलैंड को। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। सो बाय बाय फ्रॉम आमिर सोई। एंड अब डायरेक्ट मिलते हैं ताशकंद में।